So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom. ICT Virtual Classroom के इस session में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अपने अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं और जो बैठ चुके हैं अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास सेवन्थ साइंस की ये क्लास रहने वाली है, कक्षा सात विषय विज्ञान की। पहले एक बार सभी बच्चे बताएंगे, अगर सबको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करें। सभी बच्चों को अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो हाथ खड़े करें एक बार। ठीक है, गुड गुड, हाथ नीचे, गुड। चलिए ठीक है, हाथ नीचे कर दीजिए बच्चों। तो हम आज की क्लास में, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है, और फिर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि साइंस की बुक में आपके पास कौन कौन से चैप्टर आपने देखे जो आपको लगते हैं कि मुश्किल है, जिनको पहले पढ़ाया जाना चाहिए, या फिर जिन टॉपिक्स में आपको समस्या रहती है। है कोई व्यक्ति ऐसा, किसी स्टूडेंट का किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है? ठीक है ठीक है, गुड। तो चलिए बच्चों बैठ जाइए अपनी अपनी सीट्स पर। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अपना ध्यान जो है सामने बिल्कुल स्क्रीन की तरफ बना कर रखिए। जो जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती हैं उनको नोट डाउन जरूर कीजिए। कुछ अगर समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना भी है, आप पूछ भी सकते हैं, हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। ध्यान अपना सामने स्क्रीन पर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। एक बार फिर से बता दूं बच्चों, क्लास सेवेंथ आपकी साइंस सब्जेक्ट है, कक्षा सात विषय विज्ञान चल रहे हैं। ठीक है, जो सिक्स क्लास के बच्चे हैं वो सुन लीजिए, क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट साइंस चल रहा है। चलिए तो बच्चों आपसे कुछ क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर एक, सजीव सजीव किन हैं, कहते हैं, या फिर सजीव कौन होते हैं? दूसरा क्वेश्चन, सजीव के उदाहरण। और तीसरा क्वेश्चन, सजीव अपना भोजन कैसे तैयार करते या फिर कहां से प्राप्त करते? चलिए, ये तीन क्वेश्चन के लिए मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूं, दो मिनट का। ठीक है, तो आप लोग इन क्वेश्चन को सोचिए और जिसको आंसर समझ में आ रहा है, जो आंसर देना चाहते हैं हाथ खड़ा करेंगे अपना। पहला क्वेश्चन है सजीव कौन होते हैं, सजीव किन्हें कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है सजीवों के उदाहरण, इंग्लिश में भी लिख लेता हूं मैं। ठीक है, सजीव मतलब लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ा होगा आपने। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है इनके एग्जांपल्स देने हैं आपको। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये अपना फूड कैसे प्राप्त करते हैं, ये खाना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बताना है। चलिए हाथ खड़े कीजिए, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए जो बच्चा बताना चाहता है किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं,
कोई बच्चा बताना चाहेगा आंसर, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। चलो कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 2 मिनट कंप्लीट हो गए आपके, कौन बताएगा? हाथ खड़ा कर लीजिए, माइक ले लीजिए, अगर जो आंसर बताना चाहता है माइक ले लीजिए अपने पास। ओके, टाइम आपका अप हो चुका है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो जीव जो हैं दो प्रकार के होते हैं, हमने सुना था, सजीव और निर्जीव, है ना, लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स। देखिए जीव दो प्रकार के होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं बच्चों। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहले होते हैं सजीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे होते हैं निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? सजीव और निर्जीव याद आ रहा है, आपने पढ़ा होगा ये प्रीवियस क्लास में। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप उनमें से बताइए कौन से सजीव हैं कौन से निर्जीव हैं। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, ठीक है? मैन, कैट, प्लांट, स्टोन, टेबल, चेयर और ट्री, बटरफ्लाई। चलिए, ये जो मैंने यहां पर उदाहरण लिखे हैं, मैन मतलब आदमी, कैट मतलब बिल्ली, प्लांट्स मतलब पौधे, स्टोन मतलब पत्थर, टेबल मतलब मेज, चेयर मतलब कुर्सी, ट्रीज मतलब पेड़, बटरफ्लाई मतलब तितली। इनमें से कौन कौन से सजीव हैं और कौन कौन से निर्जीव, कौन बताएगा? इनमें से सजीव कौन है, निर्जीव कौन है, लिविंग कौन है, नॉन लिविंग कौन है, कौन बच्चा बताएगा? जरा हाथ खड़े करो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। इनमें से अगर हम बात करें सजीव की, तो मैन, आदमी, कैट, बिल्ली, प्लांट्स और बटरफ्लाई, ये क्या होंगे? ये सजीव होंगे। ये क्या होंगे? ये सजीव होंगे। क्यों होंगे सजीव? क्योंकि ये, इनमें हमको वृद्धि देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ग्रोथ देखने को मिलती है। ध्यान रखेंगे, ग्रोथ मतलब क्या होगा? ग्रोथ मतलब क्या होगा? ये वृद्धि होती है, इनमें बढ़ते हैं, है ना। प्लांट पहले एक छोटा सा पेड़ रहता है, फिर वो बड़ा पेड़ बनता है, फिर वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, इस तरीके से, है ना। तो स्टार्टिंग 1 साल बाद इतना, 2 साल बाद इतना, 3 साल बाद ये और बड़ा पेड़ बन जाता है। तो प्लांट्स क्या हो गए? लिविंग बींग हो गए। इसी तरीके से आदमी भी, बटरफ्लाई भी, है ना, और कैट भी, सबके सब क्या हो गए? लिविंग बींग्स। तो लिखिए मेरे साथ, लिखिए मेरे साथ, लिखेंगे बच्चों। ये चारों एग्जाम्पल हम इधर लिख रहे हैं, मैन की जगह हम लिखेंगे ह्यूमंस, ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बाकी जो बचे हुए हैं यहां पर, स्टोन हो गया, टेबल हो गया, चेयर हो गया, पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया। स्टोन, टेबल एंड चेयर आर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या बताएं इसमें? ये चल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? समझने के लिए लिखेंगे, ये चल सकते हैं, इनमें वृद्धि होती है, बढ़ते हैं ये, है ना, वृद्धि होती है,
जो नॉन लिविंग होते हैं ये चल नहीं सकते। पत्थर को देखा है कभी चलते हुए, या कुर्सी और मेज को देखा है कभी चलते हुए? नहीं देखा है ना। तो जो चल नहीं सकते, जो रुके हुए रहते हैं एक ही जगह पर, वो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। वृद्धि नहीं होती। आपने कभी देखा है कि एक कुर्सी जो है वो 5 साल बाद बड़ी हो गई? नहीं होती ना। तो कुर्सी क्या हो गया? नॉन लिविंग बींग्स हो गया। चलिए बच्चों, लिखिए इस बात को जरा जल्दी से, इस बात को लिखिए जरा जल्दी से, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे सभी बच्चे। चलिए, लिख दिया सबने? सभी बच्चों ने लिख दिया। चलिए बच्चों, कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि सजीव और निर्जीव किनको कहते हैं? कितने बच्चों को ये बात समझ में आई कि सजीव और निर्जीव किसको कहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे बच्चों। अगर समझ में आ गया सजीव और निर्जीव किसको कहते हैं, हाथ खड़ा करो। किस किस की समझ में आया? चलिए तो प्यारे बच्चों, अब अपना पूरा ध्यान सामने पर रखेंगे, ठीक है? सामने स्क्रीन पर अपना पूरा ध्यान रखेंगे, और जो चीज मैं आपसे पूछूं उसका आंसर आप मुझे देंगे। कैसे देंगे? हाथ खड़ा करके, ठीक है? सारे बच्चे रेडी हैं? अपने कॉपी पेन जो है बंद कर लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपका आंसर हाँ होगा या फिर आपका आंसर नहीं होगा, आपका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर यस होगा तो हाथ खड़ा करना है, नो होगा तो हाथ खड़ा नहीं करना है। समझ में आ गया? देखो, आपको बताना है इनमें से कौन मूव कर सकता है। हू कैन मूव, मूव मतलब चल फिर सकता है। कौन चल फिर सकता है? ठीक है, रेडी है सबके सब? सारे बच्चे रेडी हैं? एक बार हाथ खड़ा करके बताओ, सारे बच्चे रेडी हैं? ओके, गुड, सब रेडी हैं, ठीक है। हाथ नीचे। अब जो इधर उधर ध्यान दे रहे हैं वो बिल्कुल सामने ध्यान देंगे स्क्रीन पर, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो चीज चल सकती है, हु कैन मूव, अगर जो चीज यहां पर मैं लिखूंगा वो चल सकती है तो आप हाथ खड़ा करेंगे, अगर वो नहीं चल सकती है तो आप हाथ खड़ा नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ठीक है, चलो पहला वर्ड है आपके लिए काउ। काउ मतलब गाय। बताओ गाय चल सकती है या नहीं? गाय चल सकती है या नहीं? गुड गुड, हाथ नीचे, हाथ नीचे, ठीक है, वेरी गुड। कुछ बच्चों के हाथ खड़े नहीं हुए। गाय के पास पैर होते हैं ना चलने के लिए, तो वो चल सकती है, मूव कर सकती है। गुड, और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपका पी मधुमक्खी, मधुमक्खी, बताओ मधुमक्खी, ठीक है, गुड गुड, ठीक है, गुड। हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। देखो चलने का मतलब कई सारे बच्चों ने बता दिया इसमें, चलने का मतलब ऐसा नहीं कि पैरों से चले। मधुमक्खी उड़ती है ना, तो मूव कर सकती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, हाँ, तो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, गुड। उसके बाद मैट, चटाई, बताइए, क्या मैट एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है? नहीं जा सकती, गुड, वेरी गुड। समझ रहे हैं आप सब लोग, ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। पेन, पेन, पेन मूव कर सकता है? नहीं मूव कर सकता है, गुड गुड। एक दो एग्जांपल और लेंगे फिर आपको बात समझाते हैं। आंट, आंट मतलब पता है आपको क्या होता है? आंट, आंट मतलब होता है चींटी, कुछ बच्चों को पता है आंट चींटी,
ठीक है, गुड, वेरी गुड। तो मतलब आप समझ गए हैं, जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी लिविंग बींग्स। अगर मैं लिखूं यहां पर इनमें से लिविंग कौन कौन है, इनमें से लिविंग कौन कौन है, जो जो हमने अभी अभी देखे जो चल सकते हैं, हमने सबसे पहले देखा काउ, पी, आंट, है ना, ये सब क्या थे, चल सकते थे। जो नहीं चल सकते थे वो कौन कौन थे, नॉन लिविंग में, नॉन लिविंग में थे मैट और इसके अलावा पेन। अब आपकी समझ में बात आ गई, जो चल सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं वो लिविंग हो जाएंगे, और जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं वो नॉन लिविंग हो जाएंगे। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, जरा हाथ खड़े करके बताएं। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई, जरा हाथ खड़े करके बताएं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, हाथ नीचे। अब एक और क्वेश्चन है आपसे, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया है ना। अब आपसे एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। साइकिल, साइकिल क्या होगा, लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा? साइकिल को यहां रखेंगे या यहां रखेंगे? साइकिल आएगा नॉन लिविंग थिंग में, ठीक है, वेरी गुड। ये जीआईसी सुखी डांग से आंसर आया हमको। बच्चे आपका नाम क्या है, नाम बताइए, अपना नाम बताइए बेटा। आपको अपना नाम भी बताना है बच्चों। अमन जोशी फ्रॉम जीआईसी सुखीडांग, वेरी गुड बेटा, बैठ जाइए, अब बैठ जाइए आप। अमन जोशी, मैंने कहा था जो सही आंसर बताएगा उसका नाम लिखेंगे। और कोई बच्चा है? जीएचएसएस खेमपुर, जीएचएसएस खेमपुर, आपका माइक हो गया, आवाज आ रही है, माइक ऑन कीजिए जरा एक बार। एक बार प्रॉपर ऑन करो बच्चे माइक को, ढंग से ऑन करो, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोलिए बेटा, ठीक है, बोलिए एक बार, बोलिए। गुड मॉर्निंग बच्चे, क्या नाम है आपका, नाम बताइए। अपना नाम बताइए बेटा। रक्षित, रक्षित आप मुझे ये बताइए कि साइकिल चल सकती है या नहीं चल सकती? तो इसको लिविंग बींग बोलेंगे या नॉन लिविंग बींग बोलेंगे? गुड, वेरी गुड। रक्षित के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे एक बार, रक्षित के लिए सारे बच्चे क्लैपिंग करेंगे एक बार, वेरी गुड। रक्षित ने हमें आंसर भी बताया और ये भी बताया कि साइकिल को नॉन लिविंग क्यों बोलेंगे, वेरी गुड बेटे, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए बच्चे। तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी, जैसे कि रक्षित ने बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी चीज चले वो लिविंग बींग हो, समझ रहे हैं, जो भी चीज चल रही है वो लिविंग बींग हो। आपको ये देखना है कि अगर वो मशीन है, अगर उसे चलाया जा रहा है तो वो लिविंग बींग नहीं होगी, ठीक है। तो अब हम नॉन लिविंग में और भी आंसर लिख सकते हैं, इस हिसाब से और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे साइकिल, साइकिल के बाद फैन लिख सकते हैं क्या, फैन मतलब पंखा, यस और नो, हाँ ना बताइए, हाँ मैं हाथ खड़े करते हैं, आपको पता है फैन होगा, फैन होगा, ठीक है, गुड, वेरी गुड, हाथ नीचे। अच्छा, ट्रेन होगा, ट्रेन, ट्रेन होगा या नहीं होगा, ट्रेन होगा या नहीं होगा, ट्रेन नॉन लिविंग में आएगा ना, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी नॉन लिविंग में आएगा ना, ठीक है, समझ गए इस बात को, ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, जरा हाथ खड़े करके बताएं एक बार।
ये बात समझ में आ गई सबके? हाथ खड़े करके बताएं। बच्चों यहां तक ये दोनों चीजें जो हमने लिखी हैं सबको समझ में आ गई हैं? अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है आपका, तो हाथ खड़े कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, गुड। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ट्रीज जो हैं, ट्री यानी कि पेड़, ये लिविंग में रखेंगे नहीं या नॉन लिविंग में रखेंगे? कौन बताएगा जरा हाथ खड़े करके बताएं? कौन बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि ट्री जो होगा उसको लिविंग में रखेंगे या नॉन लिविंग में रखेंगे? ठीक है, जीएचएसएस से दो तीन बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं, माइक ले लीजिए बच्चों। जीजीआईसी बीरोखाल, जीजीआईसी बीरोखाल से कोई बच्चा बताना चाहेगा? नहीं नहीं, जीएचएसएस खेमपुर, बच्चे आप बताइए पहले, आप बताइए जीएचएसएस खेमपुर। चलिए, आई थिंक आप लोग समझ गए हैं। तो आज आप होमवर्क क्या रहेगा आपका, अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए और HW लिख लीजिए अपना, HW लिख लीजिए अपना। टेन एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईच। दस एग्जाम्पल आपको लिविंग में लिखने हैं, दस आपको नॉन लिविंग में लिखने हैं, जो लिखे हुए हैं उनके अलावा, ठीक है, जो लिखे हुए हैं उनके अलावा दस आपको यहाँ लिखने हैं और दस आपको यहाँ लिखने हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए बच्चों। चलिए जल्दी से लिखेंगे अपना होमवर्क, होमवर्क सारे बच्चे कॉपी में नोट डाउन करें और घर से होमवर्क जरूर करके लाएंगे। कल की क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि आपने होमवर्क में क्या क्या लिखा, ठीक है, तो होमवर्क लिखिए सभी बच्चे और करके जरूर लाएंगे। तो चलिए, आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। नोट डाउन आप कर लेना क्लास के बाद। हम मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।